हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको कैंडी क्लासिफिकेशन से क्लिनिकल वर्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैंडी क्लासिफिकेशन के 6 टाइप्स होते हैं और इनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो 4 टाइप्स है, और इन्हीं 4 टाइप्स के क्लिनिकल वर्क मैं आपको बताऊंगा। और इन 4 टाइप्स में हर टाइप्स की अलग अलग एक वीडियोज आएगी, जैसे टीथ को रिमूव करना, ऑक्लूजल रिम बनाना, डेंचर बनाना और टीथ सेटिंग करना। इन सारे टॉपिक्स की अलग वीडियोस आएगी और ये सारे सीरीज में होगी। मैं आपको ये पार्ट वाइज करके डाल दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल अभी न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा प्रोस्थोडोंटिक क्लिनिकल वीडियोस आने वाला है। और अगर आप पहले से मेरे चैनल में हैं तो मुझे लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, कैंडी क्लासिफिकेशन 1, इनमें क्या होता है, आपकी जो टूथ है वो दोनों साइड रिमूव रहती है, वो सेकेंड प्रीमोलर से लेकर आपके लास्ट मोलर तक सारे टीथ रिमूव रहते हैं। ये दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपकी ये टीथ रिमूव रहती है। तो मैं आपको जो वीडियो से भी बताने जा रहा हूँ उनमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ये आपको कास्ट में रिमूव करना है। वैसे नेचुरली ये आपके पेशेंट में ऑलरेडी पहले से रिमूव करना होता है, और हमें ये पता लगाना होता है ये कौन से क्लास में है, कैनेडी की कौन से क्लासिफिकेशन में आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कास्ट का
जैसे कि आप देख रहे हो, मैं कास्ट की एक्स्ट्रा पोर्शन को रिमूव कर रहा हूँ और